पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर मिस्टर गू पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसने चिन्नी को वहाँ पर अकेले क्यों भेजा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। चिन्नी ग्रैंड मदर को बताती है कि ये सब उसने ही मिस्टर गू से कहा था। वो बस उसकी स्टेप मॉम को जानना चाहती थी कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है। अब वो ग्रैंड मदर को भी उसकी असलियत के बारे में बता देती है और कहती है कि उसे उस औरत ने बचपन में किसी हॉस्पिटल से चुरा लिया था। ये सुनने के बाद ग्रैंड मदर कहती है कि कोई बात नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिन्नी पास्ट में क्या थी, लेकिन अब वो गू फैमिली की एक मेंबर है और अब वो उसे उनसे दूर नहीं जाने देंगे। चिन्नी भी ग्रैंड मदर से कहती है कि वो भी उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। तभी यहाँ पर एक पर्सन आता है और मिस्टर गू को बताता है कि चिन्नी जुयान ग्रुप के ऑनर जुयान फैमिली की डॉटर है और वो लोग इसे काफी वक्त से ढूंढ रहे हैं। चिन्नी उस पर्सन से कहती है कि उसकी मॉम कौन है, वो उनसे मिलना चाहती है। अब वो सभी लोग चेंगयांग हाउस आते हैं चिन्नी के रियल मॉम से मिलने के लिए। चिन्नी बहुत ज्यादा हैरिटेट कर रही होती है। तब ग्रैंड मदर उससे कहती है कि उसे नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसका ही घर है। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मिस जुयान है और यही चिन्नी की रियल मॉम है। अब मिस जुयान सीधे आकर चिन्नी के गले मिलती है और उससे कहती है कि वो 20 साल से उसे ढूंढ रही है और आज जाके उसकी तलाश पूरी हुई। और वो उन सभी लोगों से कहती है चिन्नी उसकी डॉटर है और उसका नाम जुयान रान है। जुयान चिन्नी को बताती है कि उसका नाम उसकी ग्रैंड मदर ने उसके फादर के साथ मिलकर रखा था। अब वो चिन्नी को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी मिस्टर गू की ग्रैंड मदर मिस जुयान से कहती है कि अब उनकी लड़की गू फैमिली की एक मेंबर है और वो उनके बेटे मिस्टर गू से शादी करने वाली है। ये बात सुनकर मिस जुयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रैंड मदर से कहती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई जुयान फैमिली से रिश्ता जोड़ने की। वो बताती है कि जुयान फैमिली और गू फैमिली दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। मिस्टर गू कहने लगता है कि गू फैमिली जुयान फैमिली से रिश्ता क्यों नहीं कर सकते, जिस पर मिस जुयान बताती है कि उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जुयान फैमिली एक बहुत रिचेस्ट और पावरफुल फैमिली है जिसके मुकाबले गू फैमिली कुछ भी नहीं, इसलिए उन दोनों में कोई भी मैच नहीं है। ग्रैंड मदर मिस जुयान से कहती है उनकी डॉटर मिस्टर गू को पसंद करती है और मिस गू ने ही उसे उसकी स्टेप मदर से बचाया था, जिस पर मिस जुयान कहती है कि जो कुछ भी उन्होंने उसकी डॉटर के लिए किया उसके लिए वो उनका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन अब उनकी डॉटर यनरान के लिए बहुत से चॉइसेस है, अब उसे और ज्यादा लड़कों से मिलाएंगी जो मिस्टर गू से कई ज्यादा बेटर होंगे। तभी यनरान अपनी माँ को बताती है कि गू फैमिली की कितनी अच्छी है और उन्होंने उसका कितना ध्यान रखा, और वो अपनी मदर मिस्टर गू के बारे में भी बताती है और कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं। ग्रैंड मदर भी मिस जुयान को बताती है कि यनरान गू फैमिली के वारिस को जन्म देने वाली है और मिस्टर गू के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुन के तो मिस जुयान और भी ज्यादा भड़क जाती है और उन लोगों से कहने लगती है कि यनरान अभी सिर्फ 20 साल की है, और वो ग्रैंड मदर से पूछती है कि अभी तक मिस्टर गू और यनरान की शादी नहीं हुई है, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यनरान अपनी मदर को काल्म होने के लिए कहती है और कहती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मिस्टर गू की कोई गलती नहीं है, और फिर वो उन्हें सारी स्टोरी बताती है जो कुछ भी उसके साथ हुआ। लेकिन फिर भी यनरान की मदर उससे कहती है कि उसके पास अभी भी और चॉइसेस है और यनरान से कहती है यू डिजर्व मच बेटर देन मिस्टर गू। तब यनरान अपनी मदर से कहती है कि वो अपने फादर से मिलना चाहती है और उन्हें देखना चाहती है। तब मिस जुयान उन्हें यनरान के फादर की कब्र पर ले जाती है और बताती है कि उनकी बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है, लेकिन वो हमेशा से ही यनरान से मिलना चाहते थे, उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। ये सुनने के बाद यनरान रोने लगती है और कहती है कि वो अपने फादर से एक बार भी नहीं मिल पाई। तभी यहाँ पे एक और लड़की आती है और ये यनरान की स्टेप सिस्टर यनहोंग ही होती है, जिसे यनरान के मिलने से इतनी खुशी नहीं होती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी माँ उससे ज्यादा यनरान की केयर करेगी क्योंकि वो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, उसे उन्होंने अडॉप्ट किया है, इसीलिए उसे इतनी खुशी नहीं होती। लेकिन अपनी मदर को दिखाने के लिए वो यनरान को हग करती है और कहती है कि उसके मिलने की खुशी में उन्होंने एक पार्टी रखी है। यनरान की मोम भी यनरान को यनहोंग से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। यनरान भी उससे मिलके बहुत खुश होती है। यनरान की मोम उसे बताती है कि उसकी सिस्टर फैशन डिजाइन कर रही है। तब यनरान भी कहने लगती है कि उसे भी फैशन डिजाइन करना है, उसे बचपन से ही डिजाइन में इंटरेस्ट है। तब मिस जुयान यनरान से कहती है कि उसे अब अपने फ्यूचर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाएगी, जिस पर मिस्टर गू कहता है कि यनरान अभी प्रेग्नेंट है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तब मिस जुयान कहती है कि यनरान उसकी डॉटर है और उसे उन लोगों से ज्यादा यनरान की केयर है,
इसलिए अब उन्हें अब उसकी और ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। तब मिस्टर गु कहता है कि वो यनरान को उन लोगों के पास नहीं छोड़ सकता, उसे उन पर ट्रस्ट नहीं है। जिस पर मिस जुयान भी कहने लगती है कि इसका फैसला यनरान खुद करेगी, वो जैसा चाहेंगी वैसा होगा। और वो यनरान से पूछती है कि वो किसकी साथ रहना चाहती है। तब यनरान मिस्टर गु से कहती है कि वो बहुत सालों से अपनी मदर से दूर रही है, इसलिए अब वो उनके साथ रहना चाहती है। तब मिस्टर गु यनरान को बाय बोलकर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब मिस जुयान भी यनरान को लेकर अपने ओल्ड फैमिली हाउस लाती है, जो कि बहुत बड़ा होता है, और वहाँ पर वो यनरान के लिए अभी जरूरत की चीजें होती है, जिसे देखकर यनरान बहुत खुश होती है। लेकिन यनहोंग बहुत ज्यादा अपसेट होती है, उसे यनरान से जलन होने लगती है। इधर मिस्टर गु भी अपने घर आता है, लेकिन उसे काफी बुरा लगता है कि यनरान ने उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं किया। तब चेन उसे बताता है कि यनरान ने उन्हें छोड़ा नहीं है, वो बस अपने फैमिली के साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो 20 साल से उनसे अलग रही है, इसीलिए अब वो उनसे दूर नहीं रहना चाहती। तब मिस्टर गु चेन से कहता है ठीक है, वो उसे कल मिलने फिर मिलने के लिए जाएगा। अब इधर यनरान अपनी मदर से कहती है कि वो अपनी स्टडी पूरी करना चाहती है। तब उसकी मदर उसे बताती है कि उसने पहले से सब तैयार कर रखा है और उसका एडमिशन भी करवा दिया है। ये सुन के यनरान बहुत खुश होती है और उन्हें थैंक्स करती है। अगले दिन यनरान स्कूल जाती है और उसके साथ मिस्टर गु भी होता है, जो उसे बताता है कि वो हर वक्त उस पर नजर रखेगा। यनरान कहती है तो ठीक है, तो आपको डेली मुझे स्कूल छोड़ने ने आना पड़ेगा। अब उसे बाय बोलकर जाने लगती है, तभी एक लड़का आकर उससे दोस्ती करने लगता है और उससे कहता है कि वो जीनी है, और वो यनरान से भी उसका नाम पूछता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। मिस्टर गु भी उन्हें देख रहा होता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता, और वो कार से उतरकर जीनी को घूरने लगता है। तब जीनी यनरान से कहता है कि क्या ये पर्सन तुम्हारे साथ है। तब यनरान उससे झूठ बोलती है कि ये उसका ब्रदर है। ये बात सुन के मिस्टर गु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यनरान से कहने लगता है कि वो ये क्या बकवास कर रही है, यानी उसे बताती है कि अगर स्कूल में किसी को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो सब उस पर हंसेंगे और कोई उससे दोस्ती भी नहीं करेगा, इसलिए उसने ये झूठ कहा। तब जीनी यनरान से कहने लगता है कि तुम्हारा ब्रदर तो बहुत गुस्से वाला है। अब जीनी यनरान को लेकर क्लास के अंदर आ जाता है और मिस्टर गु को ये सब देखकर बहुत जेलिस फील होता है और वो भी उनके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। जीनी यनरान को उसके डिजाइन नोट्स दिखा रहा होता है, तभी मिस्टर गु आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, जिससे जीनी को गुस्सा आता है और वो उन्हें कमरे से बाहर भेज देता है। मिस्टर गु विंडो के बाहर से उन पर नजर रखता है और उन्हें इस तरह मुस्कुराते हुए देख मिस्टर गु बहुत जलन होती है, और वो कमरे में आकर यनरान से कहता है कि अब तुम्हारे लंच का टाइम हुआ है, अब तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और यनरान से पूछता है कि वो उस लड़के से इतना नजदीक होकर क्यों पढ़ रही है। यनरान कहती है कि वो बस उस लड़के से वो बस उसके नोट्स ले रही थी, और कहती है तुम्हें उससे इतनी जलन क्यों हो रही है। तभी जीनी भी वहाँ पर आता है और वो यनरान को उनका प्रोजेक्ट के नोट्स देता है और कहता है कि उसे डिजाइन कंपटीशन में उसके साथ हिस्सा लेना चाहिए। यनरान बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक्स करती है, लेकिन मिस्टर गु को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके नोट्स को डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो कार में यनरान का वेट कर रहा होता है और इधर यनरान ड्राइंग बना रही होती है, तभी दो लड़कियाँ उसके पास आकर उसे बुली करने लगते हैं और उसकी ड्राइंग भी खराब कर देते हैं। तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर जो यनहोंग आ जाती है और उन लड़कियों को वार्न करती है कि अगर उन्होंने फिर से उसकी सिस्टर को बुली किया तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगी। वो लड़कियाँ भी यनरान से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि वो जुयान फैमिली से है, और वो जाते हुए जुयनहोंग को आंख मरते हैं, क्योंकि उन्हें यनहोंग ने ही यनरान को परेशान करने के लिए भेजा था, और अब वो खुद आकर उसे सिंपैथी दे रही होती है। यनरान उसे थैंक्स करती है और कहती है कि अगर वो नहीं आती तो वो लड़कियां उसकी पूरी ड्राइंग खराब कर देते। तब यनहोंग कहने लगती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगी। अब वो यनरान से झूठ कहती है कि उसकी माँ ने उसे कभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उसकी ही वजह से उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, क्योंकि उसको लेकर उनके फादर बहुत परेशान रहते थे और उनकी डेथ की वजह भी ज्यादा स्ट्रेस ही थी। ये सुन के यनरान को बहुत बुरा लगता है और वो यनहोंग से है कहती है कि उसकी माँ तो उससे बहुत प्यार करती है। तब यनहोंग उसे बताती है कि उसकी माँ को उससे कोई प्यार नहीं है, अगर उन्हें उससे प्यार होता तो उन्हें उसे ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगता, और ना वो यनहोंग को अडॉप्ट करती। अब यनरान बहुत ज्यादा सैड फील करती है और अपनी बनाई हुई ड्रॉइंग फेंक कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यनहोंग बहुत खुश होती है और अपनी मदर को कॉल करके झूठ बोलती है कि यनरान ने उनका दिया हुआ गिफ्ट फेंक दिया है। ये बात से उसकी मदर भी शोक हो जाती है और सोचती है कि यनरान को अचानक क्या हो गया। अब यनहोंग किसी को कॉल करती है और कहती है कि वो यनरान के लिए
एक ब्लाइंड डेट फिक्स करे। उसके बाद यनहोंग अपने मन में कहने लगती है कि यनरन, अब तुम देखो मैं किस तरह फिर वही भेज दूंगी जहाँ से तुम आई हो। अबव यनरन को एक जगह पर लाती है और कहती है कि उनकी मदर ने उसके लिए एक लड़क के साथ डेट फिक्स की है और वो लड़का उसका फ्रेंड जीनी ही होता है और उसे भी यनहोंग ने ये कहकर बुलाया होता है कि यनरन उसे लाइक करती है। लेकिन यनरन को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि जीनी को उसकी मदर ने ही भेजा है। अब जीनी यनरन के करीब आकर उसे प्रपोज करता है। तभी मिस्टर गु यहाँ आता है और वो यनरन के पास आकर उसे कहता है कि वो उसे चीट नहीं कर सकती और ना ही वो उसे करने देगा और वो उसे अपने साथ ले जाता है। ये देखकर जीनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता था कि यनरन उसे लाइक करती है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इधर मिस्टर गु यनरन को एक जगह पर लाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और कहता है कि क्या वो उसे धोखा देने वाली है। यनरन उसे बताती है कि ये सब उसने नहीं किया, ये बस एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। और वो कहती है कि वो मिस्टर गु को ही लाइक करती है और वो मिस्टर गु के करीब आकर उसे किस करती है। अब नेक्स्ट डे यनहोंग कुछ लड़कों से बात कर रही होती है और उन्हें बताती है कि वो उसकी सिस्टर को सबक सिखाना चाहती है। अब उनमें से एक लड़का यनरन के पास आता है लेकिन मिस्टर गु के आदमी से यनरन के क्लास में जाने नहीं देते हैं और खूब पीटते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर यनहोंग वहाँ आती है और वो लोग उसे अंदर जाने देते हैं और यनहोंग यनरन को लेकर एक क्लब में आती है जहाँ पर वो सभी बदमाश लड़के होते हैं और वो यनरन को ड्रिंक पिलाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और यनहोंग ये सब देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर गु के गार्ड आते हैं और उन लड़कों को पीटने लगते हैं। उसके बाद वो यनरन को लेकर हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। तभी उसकी मदर भी वहाँ आती है और वो यनरन से पूछती है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। तब मिस्टर गु कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा। और वो कहता है कि अब वो उसे उनके साथ नहीं छोड़ सकता। यनरन भी अपने मदर कहने लगती है कि ये सब आपकी वजह से ही हुआ है और वो मिस्टर गु के साथ बाहर आती है। तभी यनहोंग वहाँ आती है और रोते हुए नाटक करती है और कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसने अपनी सिस्टर का ध्यान नहीं रखा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर गु स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर यनरन के पास आता है, जिसे देखकर यनरन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि वो इस तरह यहाँ पे क्यों आए हैं। मिस्टर गु बताता है कि उसने भी यहाँ पे एडमिशन लिया है और अब वो उसके साथ ही रहेगा और वो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगते हैं। अब सभी लोग कॉम्पिटिशन के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल गेस्ट के तौर पर मिस जू यान को बुलाते हैं, जिसे देखने के बाद यनरन बहुत परेशान होती है और वो अपने मदर के पास आकर कहती है कि वो किसी को उसके बारे में ना बताए क्योंकि वो उसकी पहचान किसी के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहती है। अब वो सभी लोग हॉल में जमा होते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल उन सभी से मिस जू यान को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि जो भी एग्जाम में क्वालिफाई होगा उसे मिस जू यान की कंपनी में जॉब मिलेगी। अब वो सब बहुत खुश होते हैं। तभी स्क्रीन पर कोई यनरन की प्रेग्नेंट रिपोर्ट दिखाते हुए उसे एक्सपोज करता है और वहाँ के बहुत सारे लड़कियाँ यनरन की बुराई करने लगते हैं और उससे उस बच्चे के फादर का नाम पूछते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं वो यनरन को स्कूल से निकाल दे। प्रिंसिपल भी यनरन से गुस्से से बात करता है और कहता है कि उसे इतने कम एज में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यनरन की माम भी खामोश रहती है क्योंकि यनरन ने ही उसे कुछ कहने से मना किया था। लेकिन अब सभी लोग यनरन को बुरा बुरा बोलने लगते हैं और कुछ लड़कियां तो उसे पेपर रोल फेंक कर मारने लगते हैं और ये सब वही लड़कियां होती है जिन्हें यनहोंग ने यनरन को परेशान करने के लिए भेजा था और अभी ये सब भी उसने ही किया होता है। अब वो सभी लोग उसे वहाँ जाने के लिए कहते हैं लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर गु आता है, जिसे देखकर सभी लोग खामोश होते हैं। प्रिंसिपल भी मिस्टर गु देखकर शोक था। मिस्टर गु माइक लेकर सभी से कहता है कि यनरन के पेट में जो बच्चा है उसका डैड वो है और वो उन सभी को बताता है कि वो जल्द ही एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। उसके बाद मिस जू यान भी सभी कहती है कि यनरन उनकी ही डॉटर है और अगर किसी ने उससे बदतमीजी की तो वो उसे नहीं छोड़ेंगी। ये सब सुनके वहाँ के सभी लोग शोक हो जाते हैं और कोई अब यनरन के बारे में कुछ नहीं कहता है और उल्टा उसे माफी मांगते हैं। प्रिंसिपल भी यनरन से माफी मांगता है। अब मिस्टर गु उन सभी के सामने यनरन को प्रपोज करता है और वो दोनों एक दूसरे से सभी सामने एंगेजमेंट कर लेते हैं और अब मिस जू यान भी खुश दिख रही होती है। अब स्कूल के सभी लोग उन दोनों कंग्रेचुलेशन करते हैं लेकिन यनहोंग बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन फिर भी वो यनरन से बदला लेना चाहती है और उसके लिए वो एक और प्लान बनाती है और यनरन को अपने साथ एक जगह लाती है और अपने आदमियों को बुलाकर उसे किडनैप कर लेती है और उसे बांधकर एक जगह पर लाते हैं जहाँ पर यनहोंग को देखकर यनरन को समझ आता है
कि ये सब उसी ने किया है और अब तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसके वजह से ही हुआ है। और वो यनहोंग से पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, उसने उसका क्या बिगाड़ा है। यनहोंग कहती है ये सब उसकी वजह से हुआ है, अगर वो उनके मदर के पास फिर से नहीं आती तो वो उसके साथ ऐसा कभी नहीं करती और कहती है कि अब उसे नहीं छोड़ने वाली। यनहोंग उसे वो सारी बातें बता देती है जो भी उसने किए होते हैं। अब यनरान भी समझ जाती है कि उसने ये सब जलन और लालच की वजह से किया है। इधर भी सबको पता लग जाता है कि यनरान को किसी ने किडनैप किया है और वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं और वो लोग उन किडनैपर का फोन हैक कर उसे कॉल करते हैं। तब किडनैपर्स उसकी मोम से यनरान के बदले $2 मिलियन मांगता है, लेकिन यनहोंग को ये ठीक नहीं लगती है और वो उनसे कहती है कि वो यनरान को जिंदा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो वापस जाकर उसकी मॉम को सब बता देंगी। लेकिन वो किडनैपर यनहोंग की बात नहीं सुनते क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। इसलिए यनहोंग एक किडनैपर के पास गन लेकर यनरान को शूट करने के लिए आगे आती है, लेकिन तभी वो किडनैपर उसे पकड़ लेता है और उसे भी यनरान के साथ बांध देता है और उससे कहते हैं कि जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलते वो यनरान को नहीं मारेंगे। अब वो उन दोनों को बांध देते हैं और उनकी मोम को कॉल करते हैं। तभी मिस्टर गु अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और उन सभी किडनैपर्स को मारने लगता है। जल्द ही वो सभी किडनैपर सरेंडर कर देते हैं। फिर मिस्टर गु के आदमी उन सभी को बांध देते हैं और मिस्टर गु यनरान को छुड़ा लेता है। मिस जू यान भी यहाँ पहुँच जाती है और यनरान को मिलकर उसे गले लगा लेती है। उसके बाद वो यनहोंग के पास आती है और उसे एक स्लैप मारती है और उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसने उसके लिए इतना सब किया फिर भी उसने उन्हें धोखा दिया। यनहोंग उनसे माफ़ी मांगती है लेकिन इस बार वो उसे माफ़ नहीं करती। उसके बाद वो यनरन और मिस्टर गु के पास आकर उन्हें उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब यनरान ने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर ली है और वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे सेलिब्रेट करती है और एक बहुत ही प्यारी सेल्फी लेते हैं। इसके बाद मिस्टर गु भी अपने दो बच्चों के साथ यनरान के पास आता है और रिंग निकालकर यनरान को शादी के लिए प्रपोज करता है और फाइनली यनरान अब मान जाती है। और इसी के साथ इस बेहतरीन ड्रामे का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।